बात और बता दूं, बैंक प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक कर रहा है, ध्यान रखें। अगले दिन ही 1 रुपए या 1.5 रुपए नीचे मिला, मैं तुरंत बाहर हो गया कि संपत्ति इस बैंक में आएगी। न्यूज आती रहती है, 100% आएगी, क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं पीएनबी बैंक की, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जो स्टार्ट जो हुआ था पाकिस्तान के लोहार प्रांत से जो स्टार्ट हुआ था, अब ये बैंक इंडिया में है और काफ़ी पुराना बैंक है। ये एक जाना माना बैंक है जो सबकी जुबान पर है और पुराने लोग इस बैंक को ज़्यादा जानते हैं और नए लोग भी इस बैंक को जानते ही जानते हैं। काफ़ी लोग आते हैं सर कि इस बैंक में हमें करना क्या है और इस बैंक की संभावना क्या है। सबसे पहली एक बात मैं आपको बता दूं, जो मेरा नज़रिया इस बैंक को देखने का है, बहुत ही मुझे शानदार लग रहा है सर। आप देख लेना इस बैंक को, आप खुद ही नज़र रख लेना कि 1 साल बाद इस बैंक की किस्मत पलटने वाली है। अभी तो जो 2 बैंक इसके साथ जो मर्जर हो रहे हैं, उसकी जो लिखा पढ़ी हो रही है, वो काम चल रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, बैंक प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक कर रहा है, ध्यान रखें, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक कर रहा है बैंक। और अभी तो विजय माल्या, मोयल चौकसी, नीरव मोदी वाली जो संपत्तियां हैं, जो लूट कर इसको भागे थे, बैंक गिरा भी इसी वजह से था सर। ये जो लूट कर भाग गए थे बैंक को, हमारे पीएनबी बैंक को जो लूट कर भाग गए थे बाहर, इसकी वजह से तो इसके शेयरों में गिरावट आई थी। जब इनकी संपत्ति इस बैंक में आएगी, न्यूज आती रहती है, 100% आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट काम सरकारी बैंकों के लिए अच्छा कर रही है। इस तरीके से हर चीज को समझना शुरू कर दो, चुपचाप इस बैंक के शेयर अपने पोर्टफोलियो में अपने अनुसार जमा करना शुरू कर दो। आपको पता नहीं सर किस टाइम आपको ये जंप दिखा दे, आप खुद हैरान हो जाओगे। मैंने IDBI बैंक आपको बताया था, आज 44 पर पहुंच गया IDBI बैंक। पहली पुरानी वीडियो देख लो सर, एकदम तो नहीं हर चीज़ होएगी। वीडियो देखिए मेरी, देखते ही उसको एनालाइज कीजिए, उसको एनालाइज करने का समय दीजिए, और समय सब कुछ सही करता है, इस बात को ध्यान रखिए। IDBI बैंक के बारे में आपको मैं पहले बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ, एक मैं आपको बैंक बता रहा हूँ IOB बैंक, उस पर भी नज़र रखिए, बहुत ही अच्छा है। और सुजलोन एनर्जी, उस पर भी नज़र रखिए। और जब नज़र रखते हैं आप अच्छे दिल से, तो उसमें शेयरों में उछाल आता ही आता है। तो बात कर रहे थे PNB के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ रुपये का बैड बैंकों के लिए एक जो हिसाब किताब बनाया है सर, वो सिर्फ हिसाब किताब अभी आया नहीं है, अभी न्यूज़ आई है और न्यूज़ का इम्पैक्ट अभी थोड़ा शेयरों में दिख रहा है। और जब ज़्यादा दिखेगा ना सर, तो ये बैंक आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ मिलेगा। इस बैंक में सर संभावना ही संभावना है, इतनी संभावना है इसमें, मैं बिल्कुल बुलिश होकर बोल रहा हूँ सर आपको। मैंने 30 रुपये में इस बैंक को लिया था, 35 में सेल किया था, फिर 32 में ख़रीदा था, फिर मैंने इस शेयर को 41 पे सेल किया था, अब फिर मैंने इसकी फिर होल्डिंग ले ली है। तो मैं आपको बताऊं सर, इस बैंक पे रखिए नज़र। अगर किसी भी अच्छी चीज़ों को समझने के लिए सर, सिर्फ चार्ट नहीं होता सर, चार्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ चार्ट तो सिर्फ आपका इंट्राडे में यूज़ होता है, लॉन्ग टर्म के शेयरों के लिए, थोड़े दिनों में बेचने के लिए, तो उसके अंदर एक अलग सी एक शक्ति होती है, साइकोलॉजी होती है, उसको समझना पड़ेगा और उसको समझ कर ही आपको शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट आपको ला कर देगा। बताऊँ, मुझे किसी ने एक शेयर बताया कि एक शेयर खरीद लो, मैंने उसके कहने पे सर शेयर खरीद लिए वाले, और मुझे उसके शेयर खरीदने के बाद वो शेयर मुझे उसी टाइम अगले दिन ही 1 रुपये या 1.5 रुपये नीचे मिला, मैं तुरंत बाहर हो गया उस शेयर से। आज वो शेयर मेरे बेचने के बाद भी 30 रुपये नीचे है। तो इसलिए मैं उसके दोस्त के हिसाब से मैंने वो शेयर खरीदा था, अब दोस्ती मैं तोड़ता नहीं, लेकिन 1-1.5 रुपये के नुकसान में दोस्ती भी को भी कायम रखना ज़रूरी है। अब उस शेयर का नाम जो भी पूछना चाहता है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि PNB जो बैंक है उसको रखिए संभाल के, ये आपका जीवन का साथी बनने वाला है और अच्छे अच्छे आपको काम करके दिखाएगा। लोन अच्छा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे सेवाएँ दे रहे हैं, फास्ट बैंक होता जा रहा है। PNB का नाम, पंजाब नेशनल बैंक का नाम, पंजाब तो पंजाब है सर, पंजाब की शान, पंजाब, और पंजाब का जो नाम है सर काफ़ी ऊपर तक जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ PNB को आप इसके फंडामेंटल के अनुसार रखिए, और जो इसकी जो इसकी संपत्ति वापस आने वाली है, जो लेके भाग गए थे, उसके बाद तो और ज़्यादा उछाल आने वाला है इसके अंदर। अब इसका रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट में मुझे उम्मीद है इस बार ये प्रॉफिट अच्छा से अच्छा बुक करेगा।
तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।